क्या आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद उसे भूल जाते हैं? लेकिन इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट की पार्किंग में एक शख्स ने अपनी कार खड़ी करने के बाद ले जाना ही भूल गया। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले एक साल से यह कार पार्किंग में खड़ी हुई है। आलम यह है कि बाली पुलिस ने अब इसकी फोटो जारी कर कार मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया है। जब आप इस कार पार्किंग की फीस के बारे में जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इंडोनेशिया राजधानी बाली की पुलिस पिछले एक साल से एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी इस कार के मालिक को तलाश कर रही है। कार को गुनराय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नवंबर 2020 में पार्क किया गया था। इसके बाद से कार मालिक उसे लेने नहीं आया। होंडा एसयूवी बीते एक साल से खड़ी हुई है। कुछ लोगों को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद उसकी काफी चिंता सताती है, लेकिन इस कार के मालिक को उसकी कोई परवाह नहीं। बाली पुलिस डायरेक्टर कोम्बस प्रियांतो ने बताया है कि स्थानीय पुलिस अब इस कार के नंबर के आधार पर इसके मालिक का पता लगा रही है। उन्होंने कहा है कि कार की नंबर प्लेट के आधार पर शख्स की कुंडली निकाली जा रही है। जैसे ही मालिक का पता चलता है, उसे कार पार्किंग की फीस चुकाने के बाद उसे कार ले जाने के लिए बोल दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही बाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुलिस को इस कार की पार्किंग में होने की जानकारी दी थी। पुलिस को बताया गया कि पार्किंग में एक सफेद रंग की होंडा कार पिछले एक साल से खड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार को छुड़ाने के लिए मालिक को पार्किंग फीस के तौर पर 150,000 रुपए चुकाने होंगे। फीस देने के बाद ही कार को वहां से हटाने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है कि कार मालिक के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी, जो वह अब तक अपनी गाड़ी लेने नहीं आया। फिलहाल ये जांच का विषय है। यह खबर लोकल मीडिया सुर्खियों में बनी हुई है। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।